के माल लाया माल है माल है माल। नाइस। मैं दिल्ली आया हूँ और स्टिल मुझे अभी तक छोले कुलचे नहीं मिले, मतलब अभी तक नहीं। और ये लड़का जो मुझे छोले कुलचे दिखाने की लालच में यहाँ पे लेके आया है, इसने अभी तक मुझे छोले कुलचे नहीं किए। छोले कुलचे मिलेंगे एसजीओ भाई को, और ऐसे मिलेंगे जैसे इन्होंने कभी नहीं खाए होंगे। और छोले कुलचे खा के और कुलचे होने वाले हैं, समझ रहे हो ना। मैंने बोला कि मुझे छोले कुलचे खाने हैं, छोले कुलचे खाने हैं, छोले कुलचे खाने हैं, पर ये मुझे घुमा घुमा के, अभी एग्जैक्टली 6 बजे मेरा फ्लाइट है और स्टिल यहाँ से मुझे यहाँ से कुलचे वाले तक पहुँचने के लिए 50 मिनट लगेगा। वहाँ पे ये बोल रहा है कि खड़े रह के 2 घंटे लगेंगे। वो छोले कुलचे नहीं है, वो छोले भटूरे हैं जो विराट कोहली ने खाए थे। हाँ भाई, वो विराट कोहली वाले के यहाँ पे, विराट कोहली की वजह से इतना मार्केटिंग है उसका। विराट कोहली ने जो उसकी मार्केटिंग करी ना, कि भाई मेरे को तो वहाँ के छोले भटूरे पसंद है। तो भाई, भाई मैं अपने सर मुंडवा दूँ इस बंदे के लिए। एक एक बाल तोड़ता हूँ, रुको। स्विगी से सारी चीजें मंगाएंगे, पर इसके लिए भी हम लोग को 41 मिनट लगेगा। और इससे भी ऑसम चीज बताऊँ मैं तुम लोग को, ये यूजर का नाम देखो, हितेश कोलिंग GTA भाई। इसका डीकोड करने का हम बताते हैं, इसका डीकोड ये अभी एक मिनट, ये स्क्रीन पे रखना। हितेश कोलिंग, ये किस महान व्यक्ति मतलब ने लिखा है मैं बता दो। ये बेसिकली जो नाम है ना, ये हमारे महान अतिथि अर्थ शिमला के अक्रोड ने ये किया है। ये आपने अपने स्मार्टी आप तुम्हारे मतलब, अरे भाई तू कॉपीराइट क्लेम दे दे भाई, मेरे को लूट ले तू मेरे तो, कट कर। ये देखो, ये देखो, नंबर एक का कबीना आ गया, आ गया भाई, काला करके आ गया, मुंह काला। ओके, ये मेरे हमारे दोनों के नाम है, उसके बाद हमारा जो सरनेम है वो इसने मिक्स कर लिया है। भाई ये क्या है भाई, ये नशे हैं, ये क्या है, ये सब होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, स्मार्टी भाई आपसे प्यार करते हैं। चुप चुप भाई, चुप के। यस, ये मतलब वो अनुष्का वाला है, ये प्यार की निशानी है। वो विराट कोहली और अनुष्का का नाम बनाया ना लोगों ने, विनुष्का, विनिष्का। वैसे ये क्या है, दीपिका और रणवीर का। दीपिका रणवीर का, रणवीर और दीपिका का बनाओ गाइस, ये हम तुमसे छोड़ दो। रणवीर और दीपिका का, रणवीर का आर, रन और पादुकोण का, दीपिका का बनाओ रन। भाई ये नहीं बताता मुझे भाई साहब। अच्छा मतलब ये हम लोग को नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। ये स्मार्टी को भाई, ये स्मार्टी ने लिखा है गाइस, बंदे ने प्ले नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ, इस एरिया से ना पिछली बार स्मार्टी भाई की वीडियो से भी आवाज आई थी, यहाँ कहीं से लाइक ऐसे गेट खुलता ही हूँ। ये देखो, ऐसे ऐसी आवाज आती है, और पता नहीं वो यहाँ से आती है या इधर से आती है, और वो हर दिन आती है 2-3 बार। इसका मतलब क्या है एसजीओ भाई, मुझे नहीं पता। और मैं चड्डी पे है, हम चड्डी पे है गाइस, दिखाऊं तुम लोगों को, दिखाऊं। ये देखो, ट्रैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा। मैंने एक झलक दिखाया, जिसने समझना वो समझ जाएगा। कुछ मत समझो भाई, ये छोले कुलचे बताओ भाई हमें। चना भटूरा और मटर कुलचे, ये अभी तक खोले है। ये कुल्फी, बिरयानी, KFC, टिप्स, बर्गर, चाइनीज, ईट फीड, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप किस एरिया में आए हो, यहाँ दिल्ली में आयो, मुझे कुछ तो नया खिलाओ ना। ये पिज्जा एक्सप्रेस में मैं नहीं। अच्छा। मैं इनको मुंबई दिल्ली में आके नई नई चीजें खिला रहा हूँ, और ये मुझे दिल्ली में क्या खिला रहे, कुछ नहीं। इन्हें चाहिए वो मुंबई का स्टाइल ही, जो दिल्ली में नहीं। मुंबई का स्टाइल नहीं चाहिए मुझे ऐसे चाहिएगा। हर एक स्टेट में अलग कुछ तो मिलता है जो बेस्ट होता है, वो तुझे पता होना चाहिए। हाँ तो भाई हमारे यहाँ पे यही मिलता है। विराट कोहली वाले छोले भटूरे तूने खाए नहीं, क्योंकि मैं आई रेस्ट माई केस मैन। हाँ कूद जा भाई, तू कूद जा, कूद जा, कूद जा भाई, हमको चाहिए ये, कूद जा। हमें बाय मांगा, हमने बाय मांगा ही नहीं है। हाँ नहीं, हमें हम जाने के लिए ही बोल रहे थे हमने बाय। अरे मिरर में दिख रहा है आराम को, देखो देखो आराम को, मिरर में दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है तू भाई बहुत ठंडा।
हवा निकल गई बस इतना ही था इतना ही था बस भाई मैं चड्डियों में घूम रहा हूँ और आप देखो गाइस तुम लोगों को पता है ये मुंबई वाले लोग ना इन्हें गर्मी नहीं ठंडी नहीं लगती अरे नहीं लग रही और बिना चड्डी भाई चड्डी भी पहनने की जरूरत नहीं मुझे भाई यहाँ पे लोग मेकअप करे जा रहे हैं हमारा खाना आ गया फाइनली जहाँ से मे बी हम लोग जाके खाने वाले थे ओ ये छोले कुलचे भाई देखो पहली बार खाएंगे एजू भाई चलो एजू भाई लेट्स गो बेबी इधर से आ जाओ ना शेफ इज हियर गाइस बेटे बहुत ज्यादा बोल रहे हो हाँ यस गुड दिस इज गुड शेफ इज हियर गाइस बताया जाए खाना दिखाओ भाई मेरे को क्या देख के करेंगे तो ये भी तो खाना ही है नहीं नहीं ये खाना नहीं है मेरे को कोई तो, अगर आया रस्ते और चाट के गया तो मेरे को खाती नहीं थी क्या नहीं 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 आप खा के देखो जस्ट ट्राई इसमें कुछ लिंबू बिंबू निचोड़ो हाँ निचोड़ो निचोड़ो सब डालो आप यस बेबी ये मुझे ना वो हमारे यहाँ पे ना इसको रगड़ा बोलते हैं इसको रगड़ा बोलते हैं रगड़ा मतलब मसाला पानी पूरी के अंदर डालते हैं ये पानी पूरी के अंदर हाँ डलता है ये पर वो ऐसा नहीं होता ये अलग है वो अलग है ये एक आइटम है जो मुंबई में नहीं मिलता ये भी पाव का टाइप ही है ना मैदा जिस मैदे का है तो ये सेम इसमें से स्मेल भी पाव का ही आ रहा है पर ये पाव नहीं है इनके यहाँ पे कुलचा होता है हमारे यहाँ पे पाव मिलता है ओके ये लाइफ में जो भाई पहली बार खा रहे हैं और पहली बार उल्टी मत करना ए रिएक्शन तो दो रुको ना मैं दो एक महीने जट कर यार ये मुझे पाव भाजी की तरह लग रहा है यार नूब सबसे अरे पाव भाजी अलग है ये पाव भाजी होती है ये पाव भाजी ऐसी वाली मतलब इसमें थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला वगैरह डाल दे थोड़ा सा तो ये पाव भाजी बन जाएगी नहीं यार नहीं हाँ। कुछ भी ये गाइस जितने भी तुम नॉर्थ इंडियन हो बताओ छोले कुलचे और पाव भाजी में कितना बड़ा फर्क है ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो ज्यादा टैंगी होता है इसमें ज्यादा टमाटर नहीं है पर इसमें कांदा डालने का तरीका इसका जो स्मैश किया हुआ तरीका है ना वो सेम पाव भाजी की तरह पता है आपने जो बोला इसमें टमाटर होता है इन्होंने कम डाला हुआ है लेकिन होता है अगर आप बाहर जाओगे ना कहीं ठेले वेले पे खाओगे तो वो सच में डाल के देता है पर ये बहुत अच्छा है भाई 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 मतलब एक्चुअली ग्रेविटी की माँ की आंख ग्रेविटी ये सारा न्यूटन की वजह से होता है सब कुछ पर नहीं पर मैं इसको खाके मैं जिंदा रह सकता हूँ मैं सेटिस्फाई हूँ ना कि दिल्ली में आया छोले कुलचे खाए एंड वर्थ इट तो है मैंने गंदा नहीं बोल सकता मैं के बॉय मतलब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ अच्छी चीज के साथ ना पाव भाजी के साथ वही 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 क्योंकि हमारे यहाँ पे ये नहीं मिलता बिल्कुल नहीं मिलता बट पाव भाजी और इसमें बहुत बड़ा फर्क है भाई जमीन आसमान का फर्क है जो ये ब्रेड है ना हाँ इसका टेक्सचर सेम हमारा जो वड़ा पाव का पाव होता है ना उसका टेक्सचर है सेम फ्लेवर भी वही है इवन ईस्ट भी वही कंपनी का यूज किया है स्मेल भी वही है मुझे इतना पता है आप ईस्ट भी पहचान जाते हो हाँ जलवा है हमारा मैंने खुद घर पे बहुत ज्यादा बहुत बार ब्रेड यूज किए बनाने के ट्राई किए और मैं जल्दी माइनक्राफ्ट का ब्रेड रियल लाइफ में बनाएगा ये देखो भाई उसके लिए अभी तक एक्सपेरिमेंट करना बाकी है पर ये ईस्ट भी वही यूज कर रहे हैं जो मुंबई वाले ईस्ट यूज कर रहे हैं ओके मतलब ये मुंबई स्टाइल आप बोलना चाहते हो ये मुंबई ये पाव है ना अब वो तो मुंबई अरे वो तो मुंबई का ही है सबको पता है भाई पाव सबसे पहले कहाँ बने थे बढ़िया सिंपल मैं मास्क पहना हुआ है अभी आप ये टेस्ट करो ये गाइस छोले भटूरे हैं ये तो खाए होंगे आपने पहले मैंने सायन में खाए थे सायन क्या सायन एक लोकेशन है मुंबई में ओके पर ये मुझे एक्चुअली पसंद है मतलब मैं इसको 10 में से 8 मार्क दे दूंगा अभी भी सिर्फ 8 अरे आपको मैं रेडी का खिलाऊंगा ना वो आप 10 में से 20 दोगे उसको तो तुम लोग देख रहे हो दिल्ली फूड रिव्यू नहीं ऐसे ऐसे फालतू नहीं हम लोग बाद में इंट्रो कर लेंगे अभी पहले भाई इतना पहले तो आप तेल खाना तेल नहीं नहीं मिक्स कर लेंगे यस मतलब मैंने खाया है ये वाला और उसमें भी तेल था पर उसमें मैंने ना हमारे यहाँ पे ना इसमें 2 प्रकार के मिलते हैं एक ऐसा मिलता है भटूरे के साथ एक दूसरा आता है उसके अंदर समोसा होता है मतलब छोले के अंदर समोसा होता है छोले के अंदर समोसा डाल मतलब छोले के ऊपर समोसे के ऊपर वो हमारे यहाँ अलग डिश है छोले समोसे हाँ वही होती है मैंने वो भी खाई थी और ये भी खाई थी ओके ओके बट एक पर मुझे ये छोले अलग लग रहे हैं देखो ओ
ये काले चने हैं। यस यस, हमारे यहाँ पे सफेद चने यूज होते हैं। और तू टेबल अगर गिर गया ना, सारा खाना खराब हो जाएगा। आलसी इंसान तू, जिम बिम जाता है ना, उखड़ा दे ना। अरे भाई, खाने के टेबल के ऊपर बैठ गया और हिल रहा है वो। ये देखो, इतने नाजुक टेबल के ऊपर बैठा था। ये मर जाए, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा सच्ची। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ मत ना। देखो, टेबल मरा तो चलेगा, आप मरे तो चलेगा, पर खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या बात करता है यार। कट कर देना इसको एडिटर भैया। अच्छा एडिटर भी आप ही हो। ये नहीं कटोगा। अरे ये तो काले चने हैं, ये नहीं एक्सपेक्टेड था मुझे। आपने खाए हैं पहले काले कभी? काले चने मम्मी सब्जी बनाती है ऐसी, खा के देखो। बट ये अलग होते हैं उससे टेस्ट में। मिर्ची खा सकते? हाँ खाओ, खाओ मिर्च, खाओ भर के खाओ। कैसा है मिर्च? इज गुड। अभी मिर्च का ही सारा फ्लेवर आ गया। अच्छा ओके, एक और बात, अब इसके अंदर ही मिर्च डालो और इसमें कांदा भी डालना, प्याज। प्याज कैसे डालो? डालो ऐसे। यस, और डालो ना इन्फिनिटी, इससे कुछ नहीं होता, और डालो। अरे एक पे ही इतना खर्च हो जाएगा। डालो बस। यस, वो ज्यादा बेटर। मतलब छोले कुलचे ज्यादा अच्छे हैं, छोले भटूरे नहीं है ज्यादा सही। इसको कितने, मतलब कितना रेट दोगे इसको? ये अगर सफेद सफेद चने होते हैं ना, हाँ, तो ये भी मैं 10 में से 8 देता। ग्रेवी, हाँ, वो इतना फ्लेवरफुल नहीं है जितना ये वाला फ्लेवरफुल। बेसिकली उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल भी था, बहुत 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 ज्यादा। पर ऑयल से भी हम मिसल के इन्वेंटर है भाई, महाराष्ट्र वाले। हमें ऑयल खाने की आदत है, पर इसका जो फ्लेवर ऐसे बूम नहीं हो रहा, उसका ऐसे फ्लेवर बूम हो रहा है। ओके ठीक है भाई, इसको हकाल देते हैं और इसको विनर बनाते हैं। ये विलन नहीं, और एक हम लोगों ने कुलचे मंगाए हैं दूसरे yes. दूसरे दुकान से, जो ठेला है छोटा सा। ऐसे इस ड्रीम बॉय ने फाइनली दिमाग चला के, वो ठेला नहीं है, वो बेसिकली एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान है। तो वो सही, क्योंकि ये तो लाइक स्वीट्स की प्रॉपर दुकान है ना। हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो एकदम और ज्यादा गहराई में पहुंचेंगे कुलचों की। ये देखो छोले कुलचे लाते हुए ड्रीम बॉय। अरे अरे अरे, पेड़ के पीछे छुप गया। उसने बोला है 3 मिनट में वो लेके आएगा। लेट्स सी, लेट्स सी माय ब्रदर। सीक्रेट कोड बोलो। 69। ओह माय गॉड, होली नंबर 69। नाइस, एक एक माल लाया, माल है, माल है, नाइस, फुल माल है। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? नहीं नहीं, फेस नहीं दिखा। ओह माय गुडनेस, इसको कितना शर्माता है भाई। तुम चल माल लेके चलो, पूरा माल माल हो रहा हूं। आगे गया तो रिव्यू लो। नहीं रिव्यू होगा रे बाबा, मैं ध्यान देगा। ये ड्रीम स्मार्टी की तरह थोड़ी है। भाई भाई एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही। ये लो भाई। अरे भाई फोन फेंक दिया भाई, तो भाई 80,000 फेंके उसने। एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे करो। हाँ ये देखो, ये अबे घर जाएंगे भाई। डेडपूल माफ नहीं करेगा। ये देखो, ये बिल्ली देख रहे हो, ये बिल्ली देख रहे हो, ये बिल्ली देख रहे हो। अरे बिल्ली नहीं देखी हमने, ये देखो, ये बिल्ली, ये क्या, ये मैंने कस्टमाइज किया, मैंने डिजाइन किया। ये आपने खुद बनाया? मैंने खुद बनाया। वो डेडपूल का मुझे फोटो मिला था और ये बिल्ली मुझे पती थी, मीम में से देखी थी मैंने, वो मैंने ऐड किया और उनसे बनवाया ये। कोस्तम बोलते, वो देखो फिंगर। भाई साहब क्रिएटिव तो हो यार आप, क्रिएटिव मोड यूज करते हो क्या माइनक्राफ्ट में? नहीं नहीं, वो क्या होता है वो क्या होता है हमें पता नहीं भाई, क्रिएटिव मोड क्या होता है। ओ भाई ये कांदा है। यस भाई, खून लगा है कांदे को, ब्लडी कांदा। यार इसको भाई साहब, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आया इसमें से कांदे का, इसमें आई थिंक विनेगर होता है, पता नहीं यार, ऑडियंस से पूछो। आई डोंट नो इसमें क्या होता है गाइस, ये कलर होता है पता है, इतनी बड़ी एक बाल्टी होती है भाई, पर कलर भी तो हो सकता है। वो कलर नहीं, ऐसा कैसे कलर आता है, ये कलर कैसे आ सकता है ऐसे? कांदे को करने में से खून निकला? अरे नहीं, कमेंट्स में देखेंगे, कमेंट्स में बताना भाई। तब तक अभी इसको खोलते हैं। चलो गाइस लेट्स गो इसे खोलते। वाह बेटा जी, ये देखो पैकिंग में पैकिंग। अरे पैकिंग में पैकिंग भाई, पूरा खजाना दिया है भाई। ये है असली छोले कुलचे भाई, लिटरली ये है, ये खा के देखो। अच्छा ये असली खोले छोले कुलचे, असली, असली असली एकदम, क्योंकि वो जो थे ना वो बहुत ज्यादा ब्रेड। ओ हाँ, ये वो वाले है ना
जिसको वो बेसिकली मैंने वीडियोस में देखा था yes, वो ऐसे ये थोड़ा ये अलग शेप थोड़ा अजीब नहीं है, बात तो सही है ना, ये तीन दिए क्या उसने? हमारे यहाँ तीन मिलते हैं, पता नहीं उसे लोग। अच्छा दो ही देते हैं, ये तो बहुत है। किसी ने कुछ सुना तो नहीं, मैंने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं सुना, और सुना भी होगा तो क्या भाई, लाइव स्ट्रीम में बोल चुके हैं हम लोग ये सारी चीजें। ये मैं खोलता हूँ, आओ आपको खाना खोलना नहीं आता भाई इस बंदे को, आप ना खाना खजाना है गंदी मनुष्य शक्ल तो देखनी चाहिए ना लोगों को। ये पहले मुझे ये बताओ ये क्या होता है होटल्स रूम में? ओह यस, ये क्या होता है भाई? मिट्टी का तेल है क्या? ये मिट्टी का तेल नहीं है यार, इसमें से अलग ही स्मेल आता है भाई, इसका यूज क्या है यार ये? गाइस ओयो वाले गाइस प्लीज लेट अस नो, ओयो वाले बॉयज भाई लेट अस नो। मतलब क्या आपका, हम ओयो में रह रहे हैं? नहीं हम नहीं रह रहे, पर मैं बोल रहा हूँ तो ओयो में ये होता भी नहीं। रेगुलर होटल यूजर जो होंगे प्लीज लेट अस नो, बिकॉज हम तो होटल जाते नहीं हम, ज्यादा। अच्छा हम रेगुलर नहीं हो रहे हैं आजकल? दो भाई, एक महीने में दो बार आया हूँ मैं, उससे ज्यादा मैंने जिंदगी में नहीं। दिसंबर में मैं मुंबई में था, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहाँ। आप हो भाई रंगीन मिजाज वाले, हम नहीं है वो। मैं लास्ट टाइम 2015 को केरला में था होटल में। केरला तो बड़ा रंगीन था आपका, आपने बताया था मेरे को। केरला में क्या क्या हुआ था भाई? केरला में चाय पत्ती तोड़ी थी मैंने, और अभी मैं ज्यादा कुछ बोला तो मैं ड्रीम बॉय को भी तोड़ दूंगा, बिकॉज़ ये धमकी नहीं, ये आदेश है, ये सीक्रेट सिर्फ मुझे पता है। चलो भाई पेल दो इसे आप। भाई ये बहुत पानी है, गेरा मत देना बस आप, बहुत ज्यादा पानी है। उसने बहुत पानी डाल दिया यार उसके, मैं मुंह तोड़ दूंगा जाके। पर स्मेल इसमें से ना बहुत ज्यादा, अभी तो स्ट्रॉन्ग, अभी तो उसमें से ना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बोला ना उसका स्मेल ऐसे ना फीका फीका लग रहा है इसका, ऐसे एकदम एक बार मुंह में आ जाए। एक बार मुंह में, और ये कैसे आ रहा है मैनू में? हमारे यहाँ पे अगर मुंबई में कोई रहता होगा तो हमारे पानी पूरी के अंदर ऐसा वाला रगड़ा पड़ता है, इसको हम लोग रगड़ा बोलते हैं बेसिकली, ये रगड़ा है, रगड़ा मसाला, मसाला रगड़ा, मसाला। ओके ओके, इसको मैं तोड़ा, इसको मैंने डुबा, ऐसे डुबाते हैं, ऐसे डुबाते हैं, कैसे डुबाओ जाना पेट में है भाई। ओके ओके बॉयज, फाइनली ये सेम रगड़ा है। नो गॉड, नहीं ये गोलगप्पों में नहीं डलता यार, बिल्कुल ऐसा नहीं डलता सेम यार। पानी पूरी में ये नहीं डलता भाई कुछ भी। आपके यहाँ पे नहीं डलता मुझे भी पता है, तुम लोग यहाँ पे पोटैटो डलता है या फिर बूंदी डलती है ना? बूंदी नहीं डलती, आलू डलता है, आलू डलता है, उसमें एक कच्चे होते, कच्चे एक टाइप उबले हुए होते हैं चने भाई, ये चने नहीं है ये वटाने है। मतलब वही मतलब है मेरा, वटाने मतलब ये ना बहुत मुझे हेल्दी लग रहा है। नहीं 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 भाई, छोले कुलचे को कौन हेल्दी कह सकता है? पर ये इतना लिक्विड ही होना चाहिए। हाँ तो अरे मतलब जिंदगी में कुछ भी लिक्विड है तो वो हेल्दी है क्या? मेरे को एक बात बताओ, 7.9 जस्ट बिकॉज ये लिक्विड ही है या फिर उसने कुछ तो लोचा किया है, नहीं तो ये सेम ही होता। ओके, और अगर ये लिक्विड ही नहीं होता तो? लिक्विड ही नहीं होता तो इसको मैं 8.9 देता था। 8 मतलब इससे ज्यादा बेस्ट, क्योंकि इसमें से जो खोलते ही जो ऐसे हुआ ना, इसको बोलते हैं खाना, वो वाला फीलिंग है इसमें। पर उसके वो ये मतलब इसके दिखावे के लिए इसको एक मार्क ज्यादा मिला है, बेसिकली ड्रेसिंग के लिए। हाँ, ड्रेसिंग और इसका स्मेल, बस नॉर्मल सी बात है। कोई लड़की आपके सामने जा रही है अच्छे से ड्रेस लोगों के, तो मार्क्स तो ज्यादा दोगे। हर एक चीज लड़की के साथ कंपेयर करना जरूरी है इस दुनिया में। खालो खालो, अच्छा ये अच्छा है ना खाने में, खालो खालो खालो। आप भी खा के दे, तो मतलब आप मुझे बताओगे कि कैसे है भाई? ऐसे भाई कैसे खाते हैं भाई आप? खाने पे सच में टूट पड़ते हो यार, कती मतलब पाड़ देते हो सिस्टम। अभी ड्रीम बॉय खाने वाला है। अच्छा चबा रहा है, चबा रहा है, चबाओ चबाओ, चबाते जाओ। क्या लगता है ना, मतलब ये ज्यादा अच्छे थे या ये वाले ज्यादा अच्छे थे? लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, आपको बेसिकली खाने थे ठेले वाले जो ओरिजिनल मिलते हैं, ये जो है ना ये ठेले वाले ओरिजिनल, ये ठेले वाले नहीं है। फिर ये दुकान तो छोटी सी थी जो मैंने आपको बताया, अच्छे हैं नो डाउट, बट रियल जो ठेले वाले होते हैं ना इससे अलग होते हैं। ये इसका जो ये है ना ये कुलचा, ये इतना मोटा है कुलचा, ऐसे नहीं होता, और पतला होता है, पतला होता है, मतलब वो बेसिकली और भी ज्यादा किफायती बना देते हैं, मतलब और बेसिकली वो तीन पीस देते हैं, पता है तीन, मतलब ये थोड़ा अमीरों का ही ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर किया तो उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा दिया है,
कि मोटा खा लो, पर मुझे मोटे ज्यादा पसंद आएंगे। ये पतला पतला हो गया तो इसमें और नान में फर्क क्या है? बात तो सही है ना, मोटा तो मोटा वाला पसंद है मुझे। मोटा सबको ही पसंद होता है, बात तो सही है आपकी। ऐसे जैसे लंबा भी, ये लंबा है ना, पर हाँ लंबा भी ये पतला है पर ये लंबा। साइज पसंद ओके भाई ठीक है भाई, वो वाला आई थिंक सो विनर है आज का। देखो विनर इसको आप भी मार्क्स दे रहे हो ना, ये सबसे टेस्टी ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो ये सबसे टेस्टी, एक कांदा भी खा के दिखा। ओ बाप रे, कैसा है आपको? इट सिमिलर है, कांदा सेम है, पर इसमें से वो आंसू के नहीं आएंगे, पानी उड़ता नहीं है, आंखों से आंसू नहीं आएंगे। हाँ तो कंक्लूजन सुनो, कंक्लूजन ये है कि ये जो पहले कुलचे थे जो कोई ओम साई किसे ओम स्वीट वो वाले विनर है, उसको अभी 8 से मैं 8.5 कर रहा हूँ क्योंकि इसको 7.9 मिलेगा और जो छोले थे, जो छोले भटूरे थे, हाँ छोले भटूरे थे जो बेसिकली ये वाले थे, हाँ ये वाले, ये वाले छोले भटूरे, इनको मैं अभी कट करके 5.2 दे रहा हूँ। 5.2 यार, आपको एक बात बताऊं, छोले भटूरों का टेस्ट उनमें वो अलग, कंपेयर मत करो यार छोले कुलचे छोले भटूरे को। पर ओवरऑल तीनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, जो मैं दिल्ली में खाया, ये दिल्ली overall, का चल रहा है ना, ओवरऑल तीनों में मैं बताऊं, तीनों में ये सबसे वीक था, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग था और ये मीडियम था, मतलब ये मैं खा सकता हूँ पर ठीक है, रोज खाने की जरूरत नहीं, ये मैं रोज खा सकता हूँ और ये मैं महीने में एक भी एक बार खाके मैं वापस नहीं करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए, फिर ये था एंड देन ये। मैं अभी नेक्स्ट टाइम जो स्मार्टी आएगा उसको ये किसी भी कीमत पे खिलाऊंगा, ये मैं उसको बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, ये वीडियो दिखा दूंगा और ये वाला मे भी उसको अगर हम वहां से गुजर रहे तो खा लूंगा। ओके ओके, मे भी खाओगे वो, मे भी तो फिर वो कभी नहीं आने वाला। तो यही है Yes. So, thank you so much for watching. Thank you so much for being super duper awesome. इसको हम लोग दिखा नहीं सकते because इसका तो फेस का लगा पड़ा है. So leave a like and be super duper awesome. और subscribe, become a Zio. Bye bye. और बताना कि दिल्ली में और क्या खा सकते हैं next time के लिए. Let's go, boys.